हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉयल गार्डन्स। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं उस खुशखबरी को वीडियो के एंड में बताऊँ? चलिए अभी बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए हमको वोकैब्स एंड ग्रामर की इम्पोर्टेंस होती है। एंड मेरे बहुत से दोस्त होते हैं कि मैं वोकैब्स कैसे लर्न करूं, वोकैब्स नहीं याद हो रही। तो मैं आप लोगों के लिए विद ट्रिक के साथ मैं आपको 10 वोकैब्स डेली लर्न करवाऊंगा, और वो वीडियो आपको मॉर्निंग में 7 AM पे मिल जाएगा। और वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आप उसकी PDF भी इजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए खुशखबरी थी। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एंड जैसा कि मैंने बताया था, परफेक्ट की पहचान कैसे होती है, परफेक्ट के साथ में वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि आप लोग ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट हम लोगों को ये देखना है कि इसमें काम परफेक्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, काम जो होता है वर्क वो कंप्लीशन शो कर रहा होता है, एंड इसमें हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, परफेक्ट से मीन्स पता चला हम लोगों को कि काम कंप्लीट हो जाएगा एंड लास्ट में लगोगा गागी गे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, इस टेंस के अंत में लास्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगे एंड चुके होंगे आपको मिलेगा, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। एंड इसमें क्या है, काम कम्प्लीशन शो होगा। एंड इसके जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर देख लें, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था कि फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब ओनली विल होती है, सिंगुलर हो या प्लूरल आप लोगों को केवल एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। एंड फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल हैव। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। फर्स्ट देखते हैं, राम मार्केट जा चुका होगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, मीन्स कल जो होगा उसकी बात कर रहे होते हैं, एक दिन फर्स्ट की भविष्यवाणी हम लोग कर देते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग बन गए हैं भविष्यकर्ता और भविष्यवाणी करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर में हम लोग भविष्य की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक तरफ गेस भी आप करते हैं, एक तरफ आप गेस भी करते हैं कि मीन्स वो काम प्रेजेंट में हो चुका होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं देखूं परफेक्ट में, मिस काम कंप्लीट हो चुका है, मिस पास्ट अगर शो होगा तो आपको वुड हैव का यूज करना होगा। किसका, वुड हैव। और अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आप लोगों को विल हैव का यूज करना होगा। जैसे कि मैंने देखा, राम मार्केट जा चुका होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मिस विल हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि ये क्या है, पास्ट का काम सो रहा है, मिस गेस कर रहे हैं कि मोहन काम उस समय कर चुका होगा, ठीक है। इसमें फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, मोहन काम कर चुका होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। और जब हम लोग अनुमान लगाते हैं तो वुड प्लस हैव लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राम वुड हैव गॉन टू मार्केट, राम वुड हैव गॉन टू मार्केट। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैं कल इस समय तक खेल चुका हूंगा। अब देखिए, इसमें आप कल की बात कर रहे हैं, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं कल खेल चुका हूँ, तो फ्यूचर की है तो आप इसमें विल हैव लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो, मैं कल इस समय तक खेल चुका हूँ। और इस समय को हम लोग बोल देंगे बाय नाउ। तो फर्स्ट हो गया आई एंड विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोग स्टेज पर 4 बजे तक नाच चुके होंगे, तो इसका हो जाएगा पीपल विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज बाय 4, ठीक है। जब हम लोग टाइम शो करते हैं तो हम लोग बाय लगाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी। आप देखिए, वह प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, मीन्स उसने गेस कर लिया कि अब तक वो प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, मीन्स पास्ट की बात हो रही है इसमें, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे वुड हैव, तो क्या हो जाएगा, सी वुड हैव वॉन द कम्पिटिशन, सी वुड हैव वॉन द कम्पिटिशन। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव। जैसे कि निगेटिव में हम लोग क्या देखते हैं,
सेम उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अफर्मेटिव तरीके होता है, बस उसमें नॉट लग जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल एंड नॉट ने अपनी पोजीशन फिर से कराई है, और मैंने बोला था कि डबल जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें नॉट ने बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके आप याद कर सकते हैं कि नॉट ने प्लेस फिर से कराई है, और वो प्लेस कहाँ पे होगी, थर्ड प्लेस पे। तो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो जाएगा राम मार्केट नहीं गया होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, राम देखिए नहीं गया होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर की बात शो कर रहा है, और फ्यूचर की बात शो कर रहा है मीन्स क्या अलग, ओ सॉरी ये पास्ट की बात शो कर रहा है, और पास्ट की बात में हम लोग वुड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, राम वुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट, राम वुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, ये तो उसने बोला नहीं कल नहीं देखेगा, इसने बोला है कल नहीं देखा होगा, मीन्स कल काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मीन्स पास्ट है, तो इसमें भी क्या लगेगा, वुड लगेगा। तो इसमें आप बोल देंगे ही वुड नॉट हैव सीन यू यस्टरडे, ही हो गया आपका सब्जेक्ट एंड क्यों हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड नॉट प्लस हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सी न एंड ऑब्जेक्ट एंड देन ये हो गया आपका टाइम। तो क्या हो जाएगा, ही वुड नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोग सुबह तक कल्पना से नहीं मिले होंगे, अब इसमें भी पास्ट की बात सो हो रही क्या, बोलिए नहीं, मीन्स इसमें क्या होगा, लोग ना इतने समय तक ना कल्पना से नहीं मिले होंगे कल, ठीक है, मीन्स कल्पना से अभी भी नहीं मिले होंगे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें फ्यूचर सो हो रहा है, तो आपको इसमें विल नॉट हैव का यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, पीपल विल नॉट हैव मेट मेट, अब देखिए मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। तो क्या हो जाएगा, पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना बाय मॉर्निंग, और टाइम शो करने के लिए हम लोग ऑलवेज बाय का यूज करते हैं, बाय प्रपोजिशन यूज होती है टाइम को शो करने के लिए। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब आप उसे कॉल करोगे वो निकल चुकी होगी, मीन्स जब कल आप कॉल करोगे तो वो निकल चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव। तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू कॉल हर, इसमें क्या है, फ्यूचर। अब देखिए जब दो काम होते हैं एक साथ में तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है। तो क्या हो जाएगा, यू कॉल हर कॉमा, एंड थोड़ी देर हम लोग पास लेते हैं, और पास ले मैंने पंचुएशन चैप्टर पे बताया था कि उसमें कॉमा लगाते हैं रिटेन में, ठीक है, एंड स्पीकिंग हम लोगों को थोड़ा पास लेके तब बोलना होता है नेक्स्ट सेंटेंस, एंड रिटन में हम लोगों को पंचुएशन मार्क्स का यूज करना होता है। यदि आपने पंचुएशन मार्क्स नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा, व्हेन यू कॉल हर कॉमा सी विल हैव लेफ्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एंड ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि यस, यदि आपका आंसर यस या नो में दे सकते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज यदि आपको आंसर डिटेल में देना पड़ रहा है तो फिर आपको क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं, राम मार्केट क्यों गया होगा, इसमें लोग गेस कर रहे हैं वो भैया राम मार्केट क्यों गया होगा, ठीक है। तो राम मार्केट क्यों गया होगा, ये मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वुड लगेगा, और इसमें क्यों गया था, मीन्स रीजन पूछ रहे हैं, मुझे डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, तो आप इसको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाई वुड राम हैव गॉन टू मार्केट, इसका देखिए स्ट्रक्चर तो हम लोग देखना भूल ही गए, स्ट्रक्चर तो देख लीजिए, जल्दबाजी में आप भूल गए हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हो जाएगी, यदि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, एंड देन आपका विल आएगा, एंड देन आपका नो सब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका हैव आएगा, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, अब नाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं, राम मार्केट क्यों गया होगा, भैया राम मार्केट क्यों गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पास्ट का मैं सोच रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, भैया राम मार्केट क्यों गया होगा, राम मार्केट क्यों गया होगा, और इसमें बेटा आंसर मुझे डिटेल में देना पड़ेगा, तो इसमें आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करिए। तो क्या हो जाएगा, वाई, और देखिए मैंने पास्ट का इसलिए बोला क्योंकि पास्ट के लिए आपको
क्या लगेगा, वुड लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई वुड राम हैव गॉन टू मार्केट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा, क्या उसने तुम्हें कॉल कल देखा था। भैया इसमें भी गेस हो रहा है, क्या कल उसने तुम्हें देखा था, गेस हो रहा ना, पास्ट की बात हो रही ना, तो क्या लगा देंगे, विल या वुड, वुड आएगा इसमें, ठीक है। तो आपको वुड करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, और एक चीज और देखनी है कि क्या ये इसमें डिटेल में आंसर देना है मुझे, या फिर डिटेल में, या फिर यस या नो से काम चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए इसको, क्या उसने तुम्हें कल देखा था। भैया ये पूछ रहे हैं क्या उसने कल देखा था, तो इसको तो आंसर मैं यस या नो से भी दे सकता हूँ, और यस या नो से दे सकता हूँ। तो स्टार्ट कर दूं मैं इसका क्या, हेल्पिंग वर्ब से। और देखिए पास्ट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वुड। एंड नेक्स्ट हो जाएगा उसने, तो क्या हो जाएगा, ही एंड देन हैव सीन यू यस्टरडे, वुड ही हैव सीन यू यस्टरडे। एंड नेक्स्ट हो जाएगा, लोग कल्पना से कब मिले होंगे। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, गेस, लोग कल्पना से कब मिले होंगे, कब मिले होंगे, कब मिले होंगे, गेस करिए, गेस कर रहे हैं ना, पास्ट की बात याद कर रहे हैं ना, कब मिले होंगे, तो इसमें भी वुड आएगा, समझ गए। इस तरीके आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, कहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। फ्यूचर को भी आप देखना पड़ेगा कि पास्ट है कि वो फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो नाम है उसका, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा पास्ट है कि फ्यूचर है, और जब पास्ट होगा तो आपको वुड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन यूज विल हैव। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या तुम्हें उसने कल देखा होगा, तो विल ही हैव सीन यू यस्टरडे। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लोग कल्पना से कब मिले होंगे, और सेकंड थिंग क्या देखनी पड़ेगी हमें, सेकंड थिंग मुझे देखनी पड़ेगी क्या ये, सेकंड थिंग मुझे देखनी पड़ेगी क्या ये यस या नो में आंसर देना है या डिटेल में आंसर देना है। तो इसका आंसर आप डिटेल में देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ रहा है, मिड ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेन, फिर देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो क्या हो जाएगा, वेन वुड पीपल हैव मैट कल्पना। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वह वहाँ कैसे गई होगी, गेस कर रहे हैं वो वहाँ कैसे गई होगी, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो वहाँ कैसे गई होगी, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, लेकिन है क्या ये फ्यूचर, लेकिन बात किसकी हो रही है, पास्ट की। तो यहाँ पे तुमको क्या यूज करना पड़ेगा, वुड का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कर देंगे वेन वो, एंड सॉरी इसका आंसर यस या नो में देना पड़ेगा या डिटेल में देना पड़ेगा, तो इसका भी आंसर मुझे डिटेल में देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है मेड ऑफ द सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, हाउ एंड वुड सी हैव गॉन देयर, हाउ वुड सी हैव गॉन देयर, हाउ वुड सी हैव गॉन देयर। भैया वो कैसे गई होगी, कैसे गई होगी, कैसे गई होगी भैया, कैसे गई होगी। तो बेटा इतनी टेंशन ना लो, इसमें क्या होता है कि जब आप पास्ट की बात करते हैं, ठीक है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन आप देखेंगे उसमें अगर पास्ट की बात हो रही है तो वुड का यूज करेंगे, अदरवाइज विल का यूज करेंगे अगर फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें देखिए ये सेम इंट्रोगेटिव का ही होता है, बस इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब सुनिए, प्रेजेंट और पास्ट आपको ध्यान रखना है, और जब भी आप प्रेजेंट और पास्ट की बात होगी, फ्यूचर का सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट और पास्ट की अगर बात होगी तो आपको वुड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात पे जोर दे रहा हूँ बार बार, ध्यान से देखिए, है जरूरी है फ्यूचर का, लेकिन अगर आपको उस फ्यूचर में प्रेजेंट या पास्ट की बात सो हो रही है तो वुड का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यस या नो में आंसर दे सकता हूँ, किससे स्टार्ट हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, वुड, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इस समय गेस कर रहे हैं, इसमें भी आप गेस कर रहे हैं, याद रखिए फ्यूचर में एक आप फ्यूचर बोलते हैं एंड एक आप गेस करते हैं, तो गेस जब करेंगे तब आपको वुड लगेगा, गेस कर रहे हैं, क्या राम मार्केट जा रहा होगा, बैठे अपने घर में, लेकिन सोच किसके बारे में है, राम के बारे में, ठीक है। तो राम के बारे में गेस कर रहे हो ना, तो उसमें आपको वुड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वुड राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। आप सुनिए जरा, ये क्या है, परफेक्ट नहीं था ये, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट शो होता है, प्रेजेंट, और पास्ट वो परफेक्ट में क्या होता है, काम कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पास्ट का, ठीक है।
तो ये समझाने के लिए मैं इसको लाया था कि आपको फ्यूचर में प्रेजेंट और पास्ट दोनों देखने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसमें बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेम इंट्रोगेटिव होता है, बस सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, क्या वो कल शाम को घूमने नहीं गया होगा भैया, तो इसमें क्या है फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या वो कल शाम को घूमने नहीं गया होगा, क्या वो कल इतने टाइम शाम को घूमने नहीं गया होगा, पता नहीं, चलो पता करते हैं। देखिए इसमें फ्यूचर की बात हो रही तो आपको विल का यूज करना होगा, अगर पास्ट की बात हो रही होती तो आपको वुड का यूज करना होता, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विल एंड देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट हो गया ही, एंड देन आपको नॉट लगाना पड़ेगा, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन आपको टाइम अगर है तो देखिए तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव गॉन फॉर अ वॉक इन द इवनिंग टुमरो, ठीक है। तो कल वाले आने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आने वाला कल जो होता है उसको टुमरो बोलते हैं, एंड जो बीत गया उसको हम लोग येस्टरडे बोलते हैं। इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अब आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे दिया जाएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, ओके, ये आपका फर्ज बनता है। तो चलिए देखते हैं, इसी तरीके की जहरीली ट्रिक पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें टू गेट नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा होगा, पास्ट की बात हो रही है भैया, क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा, पास्ट की बात हो रही है तो क्या लगेगा, वुड लगेगा, ठीक है। इसमें आपको वुड लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वुड ही नॉट हैव सीन यू, वुड क्या उसने तुम्हें नहीं देखा होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें वुड ही नॉट हैव सीन यू। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगले साल तक वो अपना कितना पैसा गंवा चुका होगा, अगला साल मिस आने वाला साल है और फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है, ये समझ लो चाचा लोग। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगले साल तक वो अपना कितना पैसा गंवा चुका होगा, कितना पैसा, ठीक है। तो इसमें ना सोचना गेस कर रहे हैं भैया, गेस कर रहे हैं लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले साल तक, मिस पिछला साल नहीं बोला इसने, इसने बोला अगला साल आएगा मिस फ्यूचर में, तो आपको विल लगाना पड़ेगा और इसका आंसर मुझे डिटेल में देना पड़ेगा या यस या नो से काम चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डिटेल में देना पड़ेगा, इसलिए किससे स्टार्ट हो जाएगी, ये क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ मच मनी विल ही हैव लॉस्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, हाउ मच मनी विल ही हैव लॉस्ट बाय द नेक्स्ट ईयर। सो ये आज की जहरीली ट्रिक वाली वीडियो थी, और इसी तरीके की डेली वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। एंड जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि कल से मैं डेली वो कैप्स 7 o'clock वीक ट्रिक के साथ में लाऊंगा, जो आपको मॉर्निंग 7 o'clock पे मिल जाएगी, और उसमें आपको टोटल ट्रिक के साथ में 10 वो कैप्स डेली पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आपको ग्रामर के साथ साथ वो कैप्स की भी प्रिपरेशन हो सके, एंड इस तरह की आपकी स्पीकिंग और भी जहरीली हो जाएगी, ठीक है। तो भी स्पीकिंग जहरीली करने के लिए आप डेली वो कैप्स के मॉर्निंग में एंड ग्रामर के वीडियो शाम को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,